आप सभी का कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में UPPCL TG2 के कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 18 को सॉल्व करेंगे, जो कि MS ऑफिस चैप्टर से मैंने इसको दिया है। और इसमें कुल 30 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन सिलेक्ट करने का जो आधार है, इसके पहले के एग्ज़ाम में जो आपके UPPCL TG2 में प्रश्नों को पूछा गया है, उसके पैटर्न को देखते हुए तैयार किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे। और जो लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे, उनके लिए कट ऑफ मार्क्स 18 है। 18 मार्क्स अगर इसको आता है तो समझिएगा कि आपका ये चैप्टर तैयार है, नहीं तो आपको पुनः इसे एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से MS ऑफिस चैप्टर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चैप्टर से पिछले साल प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और 20 नंबर आपको पास करने के लिए लाना है। इसका मतलब आधी लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इस चैप्टर को ज़रूर आप अच्छे से पढ़ें। और मैंने जिस बुक्स को सिलेक्ट किया है, परीक्षा मंथन बुक को मैं कवर करा रहा था आपके लिए, और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए सूचना भी है कि अभी तक मैंने 18 कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, और इसका फ्री PDF भी मैं सभी को दिया हूँ। जो नए स्टूडेंट होंगे उनके पास फ्री PDF नहीं है, अगर लेना चाहते हैं तो फ्री है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7752800510 पर मैसेज करिए, मुझे PDF चाहिए, मैं आपको भेज दूँगा। आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से वश देखने को मिलेंगे। विश्वास करिए, काफ़ी मेहनत से बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना भूलिएगा मत। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रोग्राम होते हैं। तो निम्न में से कौन सा प्रोग्राम है MS Excel मतलब माइक्रोसॉफ्ट MS को शॉर्ट में लिखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट को MS, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वर्ड की सभी। तो स्टूडेंट सभी आंसर होगा इसका, क्या होगा, सभी आंसर होगा, क्योंकि हमने इसको ऑल सिलेक्ट कर लिया है। चारों का नाम याद रखिएगा। अब आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का है अथवा नहीं है। तो ये 4 ही है। कौन कौन 4 है? एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है और वर्ड है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इसे ज़रूर आप याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम गणितीय गणना तथा अंकीय गणना के लिए उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन ए MS Excel, ऑप्शन बी MS PowerPoint, ऑप्शन सी MS Access और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो स्टूडेंट्स, MS Excel जो होता है, क्या होता है, गणितीय गणना तथा अंकीय डाटा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। आंसर ए हो जाएगा। उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्कशीट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्कप्लेस, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट,
ऑप्शन सी रो और ऑप्शन डी कॉलम। इसका आंसर होगा एक्सपर्ट सीट्स। स्टूडेंट्स इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, जहाँ डाटा रखा जाता है, अभी हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या रखा जाता है, तो डाटा रखा जाता है तथा प्रोसेस किया जाता है, और वर्कशीट या एक्सपर्ट सीट कहलाता है, जहाँ डाटा रख कर हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको हम वर्कशीट या एक्सपर्ट सीट कहा जाता है। तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या होता है, चाहे एमएस एक्सेल में डाटा जहाँ रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो वर्कशीट या एक्सपर्ट सीट कहा जाता है। और प्रत्येक वर्कशीट या एक्सपर्ट सीट में क्या होता है, रो तथा कॉलम बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सेल वर्कशीट में रो को कैसे पहचानते हैं। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 से, ऑप्शन बी है ए बी सी से, कैपिटल ए बी सी से, ऑप्शन सी है स्मॉल ए बी सी से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्कशीट में रो को जो पहचानते हैं हम, कैपिटल ए बी सी से पहचानते हैं, यानी जो डिनोट किया जाता है वर्कशीट में, हमने कहा रो और कॉलम दोनों होते हैं, तो कॉलम जो होता है, रो जो होता है कैपिटल ए बी सी से होता है, और कॉलम जो होता है वो क्या होता है, नहीं रो को क्या कहते हैं, रो एक मिनट गलत हो गया, रो को कहते हैं हम 1, 2, 3 से, और जो कॉलम होता है उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से पहचाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको कि वर्कशीट में कॉलम किससे होता है, तो ए बी सी कैपिटल से, रो किससे होता है, तो 1, 2, 3 से। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में जहाँ हम अगली सूचना टाइप कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। सक्रिय सेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अक्रिय सेल, ऑप्शन सी वर्क सेल, ऑप्शन डी हार्ड सेल। तो क्या है, एक्टिव सेल कहते हैं हम, सक्रिय सेल कहते हैं, यानी जो इसका मतलब है हुआ कि जहाँ अभी हम कार्य कर रहे हैं वह क्या कहलाता है, एक्टिव सेल कहलाता है, सक्रिय सेल कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल जहाँ डाटा इंटर तथा सेव किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, रो कहलाता है कि कॉलम कहलाता है कि वर्कबुक कहलाता है कि कोई नहीं कहलाता है इसमें से। क्या आंसर होगा आपका, वर्कबुक कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्कबुक। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, वर्कशीट को वर्कबुक का एक पेज कहा जाता है, जो हमने कहा कि जहां हम कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। तो क्या होता है, वर्कबुक का एक पेज होता है, पूरे को क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में कितने रो तथा कॉलम होते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए 65356 रो होता है, ऑप्शन बी 256 कॉलम होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्या होता है, दोनों होता है, क्योंकि हमने जाना था कि क्या होता है, वर्कशीट में रो और कॉलम होता है, रो को हम 1, 2, 3 से पहचानते हैं और कॉलम को कैपिटल ए बी सी से पहचाना जाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक वर्कशीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो एक वर्कशीट में 65356 रो होते हैं और 256 कॉलम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं याद होगा उसे आप याद कर लेंगे कॉपी पर लिख कर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। स्टूडेंट्स स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं की प्रस्तुतिकरण का प्रोग्राम निम्न में से क्या कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रेजेंटेशन स्लाइडिंग के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस प्रोग्राम के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए एमएस पावर पॉइंट, ऑप्शन बी एमएस वर्ड, ऑप्शन सी एमएस एक्सेस। तो एमएस पावर पॉइंट से क्या किया जाता है, स्लाइड के माध्यम से प्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी प्रस्तुतिकरण किया जाता है किसी भी सूचना को। आंसर होगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से एमएस ऑफिस प्रोग्राम द्वारा टेबल को हिंदी में कहते हैं सारणी के रूप में डाटा को संग्रहित एवं व्यवस्थित तथा परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए एमएस पावर पॉइंट, ऑप्शन बी एमएस एक्सेस,
ऑप्शन सी एमएस वर्ड, ऑप्शन डी वर्कबुक। आंसर क्या होगा? एमएस एक्सेस। स्टूडेंट्स क्या होगा? एमएस एक्सेस ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वह प्रोग्राम जिसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है तथा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग के साथ साथ स्पेलिंग, ग्रामर चेक करने जैसी भी अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। आप देखते होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आप कोई चीज़ टाइप करते हैं या फिगर बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, जो पेज खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, चित्र भी हम शामिल कर सकते हैं, टेक्स्ट भी शामिल कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं और ग्रामर भी चेंज कर सकते हैं। देखते होंगे जो ग्रामर आता है तो क्या होता है, ग्रामर चेक करने के लिए जो रंग होता है उसके नीचे कुछ हो जाता है तो क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है। देखते होंगे क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है रेड कलर का, मतलब वो ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ठीक है, ये किस प्रोग्राम के तहत ये शामिल किया जा सकता है, तो एमएस वर्ड के तहत। आंसर क्या होगा? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जब हम टाइप करते हैं तो सारे चीज़ों को हम देख पाते हैं आसानी से, जो आपका ग्रामर रहता है उसके नीचे भी अंडरलाइन हो जाता है और हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, टेक्स्ट भी शामिल कर सकते हैं और चित्र भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में ग्रामर या स्पेलिंग जांच ऑटो फॉर्मेट द्वारा होती है। अभी हमने कहा कि एमएस वर्ड में क्या है, ये सिस्टम होता है कि हम जान सकते हैं, अब वो क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, उसको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें ये स्पेशली चेक नहीं करना होता है, ऑटोमेटिक वो बताता है। तो ऑटोमेटिक जो बताता है कैसे बताता है, ऑप्शन ए अंडरलाइन के द्वारा बताता है, ऑप्शन बी कलर चेंज करके बताता है, ऑप्शन सी कोई मार्क बनाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि स्टूडेंट सभी ने क्या कहा कि अंडरलाइन द्वारा बनाता है, जो आपका स्पेलिंग स्पेस्ट हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो या ग्रामर मिस्टेक हो तो उसके नीचे अंडरलाइन बन जाता है, वो शो करता है कि आपकी इसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल इरर है, आप इसको दूर करिए। तो क्या होगा, ग्रामर जो ऑटो स्पेलिंग ग्रामर चेक करता है उसको क्या कहते हैं हम, अंडरलाइन द्वारा व्यक्त किया जाता है, कंप्यूटर बताता है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोग्राम ओपन किया जा सकता है, कैसे ओपन किया जा सकता है, ऑप्शन ए स्टार्ट बटन पर क्लिक करके, ऑप्शन बी स्टार्ट मेनू प्रोग्राम को चुनकर, ऑप्शन सी कैस्केडी मेनू से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक करके, उपयुक्त सभी, सभी से क्या करते हैं हम चालू कर सकते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं सभी से चालू कर सकते हैं, कोई भी इसमें से एक काम करेंगे तो वो चालू हो जाएगा, हम उसको खोल सकते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ऑप्शन ए कंट्रोल ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल एन, ऑप्शन बी कंट्रोल बी। तो क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट खोजने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है जबकि कंट्रोल ओ का प्रयोग किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट्स की आपके एग्जाम में 2 से 3 जरूर पूछे जाएंगे और आप सारे शॉर्टकट्स कीज़ को याद करिएगा, उसका डाटा बुक में दिया हुआ है, मैंने कुछ को सिलेक्ट किया है जो हमको लगा कि ये बार बार पूछा जाता है और जिसको याद करना ज़रूरी होता है, बाकी तो कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाता है, लेकिन अब एक बार उसको ज़रूर लगातार पढ़ते रहिएगा क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्टकट्स से ज़रूर पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या होता है, अब प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट को जो देखते हैं स्वरूप उसको बोलते हैं प्रीव्यू, या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ऑप्शन ए कंट्रोल एक्स, ऑप्शन बी कंट्रोल सी, ऑप्शन सी कंट्रोल एफ टू, ऑप्शन डी कंट्रोल एफ वन। तो आंसर होगा आपका 14 नंबर का सी कंट्रोल एफ टू, सी नंबर। उसी तरह 15 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि स्पेलिंग तथा ग्रामर जांच करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, हमने कहा कि क्या करता है ऑटो बताता है, लेकिन अगर किसी चीज़ का हम श्योर होना चाहते हैं कि इसका स्पेलिंग सही है या नहीं है तो एक हम की ऑप्शन करेंगे, शॉर्टकट की मतलब क्या, एक
जल्दी से हम उसको जांच कर सकें। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन F7, ऑप्शन F1, ऑप्शन F2, ऑप्शन डी और तो क्या होगा F7। अब जानते हैं फंक्शन की होता है 1 से 11, तो फंक्शन की 7 जो होता है वो किसके लिए डिफाइन है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच करने के लिए। फंक्शन की भी पूछता है, सारी चीज़ हम पिछले वीडियोज में कवर कर चुके हैं, पिछला वीडियोज आप जरूर देखें, आपको काफ़ी लाभ होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ऑप्शन ए Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट 16 नंबर आंसर होगा, डॉक्यूमेंट पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V। 17 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जूम टूल क्या होता है, जूम टूल है उससे क्या कर सकते हैं हम दस्तावेज का आकार बढ़ा घटा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि जूम टूल से क्या किया जाता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको क्या करते हैं हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि कितना परसेंट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ऑप्शन ए 10% से 400%, ऑप्शन बी 20% से 200%, ऑप्शन सी 40% से 400%। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जूम आकृति द्वारा, जूम टूल्स द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट्स को 10% से 400% तक बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितना बड़ा घटा सकता है, या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जूम टूल द्वारा क्या करते हैं। तो जूम मतलब ऑटोमेटिक होता है बढ़ाना घटाना, तो इतना तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन ले लिया कितना परसेंट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फॉर्मेटिंग टूल बार में अलाइनमेंट में 4 विकल्प होते हैं। अलाइनमेंट किसे कहते हैं, आप देखते होंगे कोई चीज़ पेज सेटअप हम करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कई चीज़ आते हैं सेट करने के लिए, तो उसमें 4 टूल्स होते हैं, वो 4 टूल्स में कौन सा विकल्प नहीं है ये बताना है आपको। 4 होता है तो कौन कौन होता है, उसमें से एक 3 सही है, इसमें एक नहीं है, और चौथा क्या है, और चारों को याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी सेंटर, ऑप्शन डी कॉलम। तो कॉलम नहीं है, जो 4 है कौन है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक सेंटर है, और चौथा जो है जस्टिफाई है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, चौथा क्या है जस्टिफाई है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टेटस बार एक विंडो प्रोग्राम है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि स्टेटस बार क्या होता है, एक विंडो प्रोग्राम है, कहाँ होता है स्क्रीन पर, तो सबसे नीचे पतली पट्टी होती है, हमने लिख दिया क्वेश्चन को कि स्टेटस बार क्या है, एक विंडो प्रोग्राम है जो कि सबसे नीचे स्थित पतली पट्टी है जिससे ओपन डॉक्यूमेंट में किसी स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो क्या पता लगा सकते हैं, पेज नंबर पता लगा सकते हैं, कि लाइन पता लगा सकते हैं, कि कॉलम नंबर पता लगा सकते हैं, कि सभी लगा सकते हैं। तो सभी लगा सकते हैं, इसके द्वारा पेज नंबर भी लगा सकते हैं, लाइन भी लगा सकते हैं, और कॉलम नंबर भी लगा सकते हैं यहाँ क्लिक करके। चलिए क्वेश्चन है 20 नंबर, माउस द्वारा टेक्स्ट ओपन करना हो तो उस वर्ड पर क्या करेंगे। देखिए हमने कहा कि 4 तरीका था ओपन करने के लिए, पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया, किस क्वेश्चन में डिस्कस किया था आपको, आपका था 12 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, स्टार्ट मेनू से भी कर सकते हैं, कैस्केडिंग से भी कर सकते थे, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट की आइकन द्वारा भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अगर माउस से हम किसी चीज़ को ओपन करना है, किसी डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को ओपन करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर डबल क्लिक करना चाहिए, ऑप्शन बी है सिंगल क्लिक करना चाहिए, ऑप्शन सी है ट्रिपल क्लिक करना चाहिए, कि सभी करना चाहिए, किसी से भी कर सकते हैं, तो नहीं स्टूडेंट्स सिर्फ डबल क्लिक करना चाहिए, अगर माउस द्वारा किसी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना हो तो उस पर डबल क्लिक करके ओपन किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, माउस द्वारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एडिट मेनू में सिलेक्ट करना, ऑल क्लिक करेंगे, जूम मेनू में ऑल सिलेक्ट करेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट अगर सिलेक्ट करना है कि राइट क्लिक करेंगे, तो एडिट मेनू में सिलेक्ट करेंगे ना कि जूम मेनू में करेंगे, ठीक है। 21 का ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में टेक्स्ट क्लिपबोर्ड तथा मूल डॉक्यूमेंट दोनों जगह रहता है, ऑप्शन ए कट में, ऑप्शन बी कॉपी में, सी दोनों में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कॉपी में होगा, कॉपी में क्या होगा, जब हम कॉपी करते हैं किसी डॉक्यूमेंट का
तो जहाँ पर वो पहले से सेव है वहाँ भी रहता है, और जहाँ हम पेस्ट करते हैं वहाँ भी हो जाता है, दोनों जगह हो जाता है। लेकिन कट में क्या होगा, मूल जगह से जहाँ सेव पहले से था वहाँ से हट जाता है। आंसर क्या होगा आपका, बी कॉपी। 23 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट संशोधन हेतु, ऑप्शन बी संख्यात्मक डेटा संशोधन हेतु, ऑप्शन सी चित्र डाटा संशोधन हेतु। इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, चार्ट विजार्ड का, बार चार्ट का, कि पाई चार्ट का, कि इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट चार्ट विजार्ड का। किसका होता है, चार्ट विजार्ड का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन होता है। ऑप्शन ए आउटलुक, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी अग्नाइजर, ऑप्शन डी एक्सेस। इसका आंसर होगा आउटलुक। क्या होता है आउटलुक, जो होता है ये इंफॉर्मेशन मैनेजर कहा जाता है या सूचना प्रबंधक कहा जाता है आउटलुक को। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, ऑप्शन सी यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है। तो जो वर्ड रैप होता है स्टूडेंट्स, आवश्यकता होने पर क्या होता है कि टेक्स्ट को अगले लाइन में स्वतः भेज देता है। अब देखें, हम कभी टाइप करते हैं अगर उस सेंटेंस के लाइन में क्या होता है, वर्ड पूरा नहीं होता है तो नेक्स्ट में क्या चला जाता है, अगले में स्वतः पूरा वर्ड चला जाता है या पूरा सेंटेंस चला जाता है। आंसर क्या होगा, ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है, फाइल मेनू पर, व्यू मेनू पर, कि एडिट मेनू पर, कि इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका एडिट मेनू पर। क्या होगा, एडिट मेनू पर होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कमांड की सूचियां, 28 नंबर क्वेश्चन है, कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है क्या कहलाती है। GUI, ऑप्शन बी आइकन, ऑप्शन सी मेनू, ऑप्शन डी विंडोज। ये होता है मेनू, होता है मेनू से ही हम क्या करते हैं, कोई भी कमांड करते हैं हम उसमें जाते हैं कि कहाँ वो चीज है। 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडोज को कहा जाता है, जो अभी हम वर्क कर रहे हैं उस विंडोज को क्या कहते हैं, वेब विंडोज, करेंट विंडोज, वर्ड पैड विंडोज, कि एक्टिव विंडोज। तो क्या कहा जाता है, एक्टिव विंडोज कहा जाता है, जिसको ओपन रखे हम स्क्रीन पर उसको कहते हैं एक्टिव विंडोज। अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, 30 नंबर क्वेश्चन, आप अपने पर्सनल फाइल या फोल्डर को रख सकते हैं, माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट में, माई फाइल में या ऑल में। तो क्या कहते हैं इसको, माई डॉक्यूमेंट में रखते हैं। तो इस तरह 30 क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके UPSC TG2 एग्जाम के कंप्यूटर के लिए। तो आप जरूर इसको दो बार देखेंगे और याद करेंगे, उम्मीद है आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। कम से कम इससे 5 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर प्रश्न टैली करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट में, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।